काले दिले सोजा उनसे भी कहा जो गम को सहार ना थी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो एक ज़हीफ़ की कहानी है जो घर से आंख का ऑपरेशन कराने के लिए आया है लेकिन उसके साथ कोई नहीं आया। कोई पोत नहीं है। बात यह है कि ना उसकी औलाद है ना साथ और ना उसके हमसाए हैं और ना ही कोई अजीज है। उम्र के इस हिस्से में अगर औलाद काम नहीं आएगी तो कौन आएगा। ऐसे लोगों के दुख का मदावा कौन करेगा अपनी औलाद होते हुए भी। मैं कहता हूँ कि वो कैसी औलाद है जो ऐसी उम्र में माँ बाप की इज्जत नहीं करती और माँ बाप का ख्याल नहीं करती। फिर तुहानू लाई जन्ने तुहानू नाल लाई जन्ने ठीक है तुहानू तां पिंड तुहाडे ला देंगे ते इत्थों उठना नहीं तुसीं। यकीन मानिए इनके आंसू देख कर दिल एक बार कांप जाता है। और बेटा साथ नहीं आया। आई डोंट नो क्यों नहीं आया साथ। बाप की ये हालत और वो साथ ना आए तो ये वही दिल पे कचोके लगाने वाली बात है। मुंडे है जे किन्ने एक मुंडा है तो नाल नहीं आया। आज पांच चार मजे रखी हैं चार कि यहाँ एक पचासी को दे पड़ता तो आए क्यों नहीं नाल। और नाल बदला का क्या राजवाड़ी को ट्रेन पा गया तो बढ़िया दे दो। हाँ जी असि तो नुआते लाने या जाने या गड्डी तो वैसे ला देने आपे कोई मसला नहीं। अच्छा तो रोटी खाती जे रोटी खाती जे रोटी खानी जे रोटी बड़ी है बड़ी है ऐ बड़ी है रोटी खानी जे तो मंगवा देने या मेरा पट्टे बनी आख कल भी आया था आने जाने आज आज वाले बांध रहे। अच्छा फिर मैं कदे बच्चा ने कराया उठ जान। अच्छा बजाने अच्छा और फिर जाने करा पगी जाग ला। अच्छा तो नाल मुंडा क्यों नहीं आया तुहाडा मुंडा नहीं आउंदा क्यों कर सवेरे रोटी खाधी। अच्छा सुबह दी रोटी खाधी सवेरे। अच्छा थोड़ा जितना मजा उठा हो गया। अच्छा अगर कोई इन बुजुर्ग की मदद करना चाहता है तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर दे दूंगा। फिलहाल ये बडियाना के रहते हैं अगर कोई इनकी मदद कर दे तो अल्लाह पाक उसको अजर देगा इसका ये सदका जारी होगा अगर कोई इनकी मदद कर देगा।